आज के इस एपिसोड में सिंपली एक्सप्लेन्ड के हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर वायरसेस के बारे में। सो आपको ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, क्या है वायरस, कैसे सेव करें। सो ये सारे क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में आंसर हो जाएंगे। सो वायरस क्या होता है? वायरस एक पीस ऑफ कोड होता है या पीस ऑफ सॉफ्टवेयर या मलेशियस सॉफ्टवेयर या फिर मलेशियस प्रोग्राम होता है जो कि गंदे काम करता है एंड ओरिजिनल फाइल से कनेक्ट हो जाता है। ये टर्म कंप्यूटर वायरस एक्चुअली फ्रेड कोहेन ने 1983 में डिस्कवर किया था। एंड कंप्यूटर वायरसेस ओरिजिनल प्रोग्राम से अटैच हो जाते हैं एंड ये एक्चुअली नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होते, इसे बनाए जाते हैं एंड यूजुअली कंप्यूटर वायरसेस एंटीवायरस कंपनी ही बनाती है। कहीं ना कहीं ह्यूमंस के हाथ में नहीं होता इसका स्प्रेडिंग, यानी कि एक बार वायरस क्रिएट हो जाए उसके बाद उसको कैसे फैलाना है या फिर कैसे रोकना है वो ह्यूमन के हाथ में नहीं होता। एंड यूजुअली ये कैसे काम करते हैं, ये ओरिजिनल फाइल को इन्फेक्ट कर देते हैं एंड जब भी ओरिजिनल फाइल ओपन होती है तो दो काम होते हैं। पहला तो वायरस रेप्लिकेट होता है यानी दूसरी सेम फाइल्स में ज्वाइन हो जाता है एंड दूसरा काम एक कॉल ऑफ एक्शन होता है, यानी कि या तो डेटा को डिलीट करना या फिर एनक्रिप्ट करना, अलग अलग डिस्ट्रक्शन पावर्स यूज़ करना। सो जब भी फाइल ओपन होगी पहले तो वायरसेस दूसरे फाइल में कॉपी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपकी एक एक्सेल फाइल इन्फेक्टेड है, जैसे ही आप एक्सेल फाइल को खोलोगे वो रेप्लिकेट हो जाएगा दूसरी एक्सेल एंड MP3 MP4 फाइल्स में एंड उसके बाद कॉल ऑफ एक्शन ट्रिगर होगा जो कि अलग अलग होता है अलग अलग टाइप ऑफ वायरसेस में। फॉर एग्जाम्पल कोई वायरस डिलीट करेंगे फाइल्स को, कोई एनक्रिप्ट करके पैसे मांगेंगे, जबकि कुछ वायरसेस ऐसे होंगे जो आपकी फाइल्स को इंटरनेट पे अपलोड कर दे एंड कुछ वायरसेस ऐसे होंगे जो रिमोट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स जैसे काम करें यानी रिमोट कनेक्शन दे। सो वायरसेस के अलग अलग टाइप्स होते हैं जैसे वो काम करें वैसे, बट एक स्ट्रेट फंडा है वायरस उसे कहा जाता है जो ओरिजिनल प्रोग्राम को चिपक जाए। अब आपको क्वेश्चन होगा कि वायरसेस कैसे स्प्रेड होते हैं एंड हम लोग उससे सेफ कैसे हों। सो सिंपल टर्म में अगर आपके पास एक इन्फेक्टेड वायरस फाइल है तो वायरस और ज़्यादा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्प्रेड होगा जब आप वो फाइल को कॉपी करोगे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। सो ये फाइल भी हो सकती है या फिर प्रोग्राम भी हो सकता है एंड यूजुअली टॉरेंट से डाउनलोड किए हुए क्रैक्ड सॉफ्टवेयर में ऐसे वायरसेस होते हैं। अब और एक क्वेश्चन होगा, आपके पास एंटीवायरस है वो स्कैन कर रहा है उसको तो वायरस मिल जाएगा, बट कुछ एंटीवायरसेस वायरसेस को नहीं ढूंढ पाते क्योंकि वायरसेस दो मेथड यूज़ करते हैं। पहली चीज़ वो हर रेप्लिकेशन के साथ चेंज होते हैं, यानी कि हर एक रेप्लिकेट होगा तभी वो वायरस अपना सिग्नेचर चेंज करेगा। दूसरी चीज़ फाइल के साइज़ को इनक्रीज ना करके वो डिटेक्शन को अवॉइड कर सकते हैं, यानी एक एक्सेल फाइल है विदाउट इन्फेक्शन वो 1.5 MB की है, इन्फेक्शन के बाद वो 5 MB की होगी तो एंटीवायरस उसको पकड़ लेगा, बट अगर फाइल की साइज इंक्रीज किए बिना वायरस उसको इन्फेक्ट कर लेता है तो वो डिटेक्शन से बच जाएगा। उसी तरह बहुत सारे वायरसेस ऐसे भी प्रोग्राम्ड होते हैं जो पॉपुलर एंटीवायरस प्रोग्राम्स को किल करें, जैसे कि विंडोज़ का डिफेंडर प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड वाइडली यूज्ड है। उसी तरह अवास्ट एक ट्रेंडिंग एंटीवायरस है, तो ऐसे एंटीवायरसेस को ही किल करके वायरस स्प्रेड होते हैं एंड डिटेक्शन अवॉइड करते हैं। सो बहुत से प्रोग्राम्ड वायरसेस ऐसे होते हैं जो एंटीवायरस प्रोग्राम के टास्क को किल कर देते हैं। जैसे वायरस काम करते हैं उस हिसाब से वायरस के टाइप्स होते हैं, जिसको जानने के लिए मुझे लगता है आपको इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम एनिमेटेड फॉर्मेट में टेक एक्सप्लेनेटरी वीडियोस रेगुलरली बनाते हैं। सो अगर आपको टेक में इंटरेस्ट है देन मुझे लगता है आपको ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करनी चाहिए।